एवरीवन, आज जो वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं, मैं पहले ही एक चीज़ को आपके सामने क्लियर करूं कि ये दो पार्ट्स में शूट होगी और आपने आपके कमेंट्स के थ्रू ही हमें पता चला था उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनेगी। तो जो थीम आपके सामने टॉपिक में होगा ही थिंग्स टू पैक बिफोर कमिंग टू न्यू ब्रंसविक या फिर नोवा स्कोशिया, दोनों एक ही जैसी प्रोविंसेस ही हैं, क्योंकि इंडियंस जहाँ रहते हैं, जहाँ एशियंस रहते हैं, वहाँ पर आपको सामान मिल जाएगा। तो आपको वो सामान लाने की ज़रूरत नहीं है जो हम लेके आए और हमने अपना अलाउंस को वेस्ट किया। तो इसे दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, आज आपको ग्रॉसरीज या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा देंगे जो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, आपको वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी सामान लेके आइए। और सेकेंड पार्ट में क्लोथिंग दिखाना है और आपको स्टेशनरीज दिखानी है जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर जिनके बच्चे साथ में आ रहे हैं, तो स्टेशनरी भी लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है इजीली। सो मैं अभी तो आपको पहले लेके चल रही हूँ वॉलमार्ट। सबको पता ही है कि वॉलमार्ट जो है कनाडा का बिगेस्ट रिटेल है और हम वहाँ चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर अपना इंडियन स्टफ क्या क्या मिलता है। सो लेट्स गो। लेट्स स्टार्ट विद अमिताभ बच्चन टी वैली ब्रांड की चाय पत्ती। ये टी बैग्स हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, मैंने भी ट्राई करे। यहाँ पोहा मिल जाएगा आपको, पोहा है अपना इंडियन फ्लोर है, मल्टीग्रेन आटा भी है हमारे पास यहाँ पर, तो आप मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हो और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक है रेट में। राइस फ्लावर, चावल का आटा, बेसन, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही होती हैं यहाँ पे। आटे की एक दो वैरायटीज़ हैं यहाँ पर आपको। इंडियन चाय पत्ती जो लूज़ होती है वो भी मिल जाएगी। बाग बकरी है, टी इंडिया है, या प्राइस इंडिया से कॉस्टली है, लेकिन ये लेके आना एक बारी। आप एक बारी को लेके आ सकते हैं, बट क्योंकि आपने यहाँ रहना है तो आप लोगे ही लोगे। देन अदरवाइज दालें हैं, दालें इंडिया से मत लेके आना, ऑलमोस्ट सेम रेट पड़ता है। यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पैकेट मिल जाते हैं 4 LBS का, दैट्स 1.81 पर केजी सॉरी, एंड दिस इज़ फॉर लाइक $8। और नीचे राजमा वगैरह, राजमा का बल्क पैकेट होता है आपका, अराउंड 4 किलो का पैकेट होता है ये, $10 का। और इसमें ये हमारे दूसरे वाले राजमा भी है, लाइट रेड ब्राउन जिसको बोलते हैं ये। ऑलमोस्ट सारी दालें हैं, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की, अरहर की दाल सांभर बनाने की वाली, ब्राह्मस मसूर की दाल, सारी दालें मिल जाती हैं आपको। दालें लाने की जरूरत नहीं, स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर सारे मसाले मिल जाएंगे, राजमा मसाले, छोले मसाले, पाव भाजी, सांभर, जो डिफरेंट डिफरेंट मसाले होते हैं। उसके अलावा ये भी मिल जाएगा जो रेडी टू ईट टाइप्स की राइस इडली होती हैं, आप बस घोलो और बनाओ। रवा इडली, रवा डोसा भी है, और चाय में अगर इलायची पसंद करते हैं तो इलायची मिल जाएगी आपको। छोटे छोटे सारे स्पाइसेस जो हमारे खड़े मसाले बोलते हैं सब है, बड़ी इलायची आपका, सिनेमन पाउडर सॉरी दालचीनी का पाउडर, और एंड दिस इज स्टार एनिस, कच्ची हल्दी, सूखी सूखी हल्दी, पिंक रॉक सॉल्ट भी मिल जाएगा, और ये बहुत ही सस्ता है पिंक रॉक सॉल्ट, महंगा नहीं है। कसूरी मेथी मिल जाएगी आपको, टर्मरिक मतलब आपकी क्या बोलते हैं इसको, इमली हिंदी में सॉरी, और अगर आपको गुड फ्लेवर वाला खाना पसंद तो वो भी मिल जाएगा। शक्कर भी मिल जाएगी, बेस्ट थिंग जो पंजाबी शक्कर होती है वो भी मिल जाती है चाय में डाल के, अगर आपको पसंद है तो पंजाबी बढ़िया। अलसी का तेल भी मिल जाएगा और कोकोनट ऑयल भी मिल जाएगा कुकिंग वाला जो होता है। इसके अलावा पैराशूट ऑयल भी मिल जाएगा, ये सारे घी नानक का बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, और बरार का, मैंने ये दोनों ही ट्राई करे, बरार ये बढ़िया, ये तो कोई लेके आ नहीं सकता, ऑप्शन मिल जाए। और अचार भी मत लाइएगा, ट्राई टू बाय दिस वन, ये बहुत अच्छा है, पिकल है, शान का भी है और यहाँ पे एक और भी है, ये हमने ट्राई नहीं किया है, मिक्स पिकल, इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट पार्ले जी भी मिल जाएगा,
मैरी के बिस्किट्स मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट ऑल सारे तरीके के बिस्किट्स मिल जाते हैं अपनी इंडियन। मटकी मिल जाएगी हल्दीराम की, हल्दीराम की नमकीनें भी मिल जाती हैं आपको, गज्जक भी है यहाँ पर। वॉलमार्ट दिखाया और दिखाया कि वॉलमार्ट पे ऑलमोस्ट इंडियन ग्रॉसरी का सब कुछ ही मिल जाता है जो बेसिक है, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही स्पेशल चाहिए, जैसे भाई लड्डू बनाने हैं, कुछ बनाना है तो आपको गोंद चाहिए होती है, या कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो यहाँ नहीं मिलती, उसके लिए मैं अभी आपको एक इंडियन स्टोर में लेकर चल रही हूँ। बॉम्बे स्पाइसेस स्टोर का नाम है और यहाँ पर एक दो स्टोर और हैं इंडियन स्टोर्स, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी कि बेसिकली सब कुछ मिलता है, लेकिन एक ही बात है कि वहाँ पर थोड़े से प्राइजेज जो हैं वॉलमार्ट से कंपेरिजन में हाई रहते हैं। तो और मैं ये बोलूँगी कि आप जब ला रहे हैं इंडिया से सामान तो सिर्फ वो लाएं जो आपको बेसिक नीड, मतलब एक हफ्ते के लिए चाहिए, उसके बाद जो भी आपने ग्रॉसरी यहाँ पे आके करनी ही है तो ज़्यादा अपना वेट उसमें ना वेस्ट करो। मेन अपना कुकर ज़रूर लेके आओ एक छोटा, क्योंकि हम लोगों को इंडियंस को प्रेशर कुकर में खाना बनाने की आदत होती है, तो वो हमारी एक नेसेसिटी है। एक छोटी कढ़ाई ले लो, इंडक्शन बॉटम, हाँ इंडक्शन बेस लेना, क्योंकि यहाँ के मोस्टली जो गैस है वो इंडक्शन गैस है, तो फिर आपको प्रॉब्लम ना आए। एक कुकर ले लो, मे बी 3 लीटर का 2 लीटर का छोटा सा, जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता हो। एक छोटी सी कढ़ाई ले लो, एक तवा ले लो रोटी बनाने के लिए, एक पैन ले लो तड़का वगैरह लगाने के लिए, और चकला बेलन में से बेलन जो है यहाँ पे एक डॉलरामा नाम का स्टोर है वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन वो जो अपना इंडिया तरीके का जो बेलन होता है वैसा नहीं होता, तो एक वो भी ले लो, उसका हार्डली कुछ वेट नहीं होता। और इंडिया में आपका 40-50 रुपए का ही आता है बेलन, तो मैंने भी लिया था 50 का ही आया था, और यहाँ पे फिर आप लोगे तो 3-4 डॉलर का होगा, तो आप पहले शुरू में आते ही कंपैरिजन करोगे, तो बेटर है ये सारी चीज़ें लेके आओ। साथ में 2 प्लेटें, 2 चम्मच और 2 फॉक, 2 ग्लास ऐसे, या 1 चाय का कप अगर आप पीते हो, तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी, मतलब ये नहीं कि आपको 6 लेके आनी है, 6-6 का सेट बनाना है, नहीं, अभी आप स्टूडेंट पे भी आ रहे हो या जैसे भी वर्क परमिट पे भी आ रहे हो तो यहाँ पर आके, क्योंकि जो यहाँ के जो बर्तन होते हैं कटलरीज होती हैं यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छी मिल जाती है, कांच की जो यहाँ चलती है माइक्रोवेव वगैरह में वो भी आपको मिल जाएगी, तो वो सब मत लेके आओ, वो सब बहुत भारी होता है। और मैं प्रेफर करूँगी कि इंडिया से प्लास्टिक के कंटेनर्स वाले कुछ मत बर्तन लेके आना, वो यहाँ पे सब मिल जाते हैं। डॉलरामा नाम का स्टोर है जहाँ मैं आपको लेके चलूँगी और दिखाऊँगी कि वहाँ पे क्या क्या मिल जाता है। कोशिश करूँगी शायद आने वाली एक या दूसरी वीडियो में ही आपको वहाँ ले चलूँ ताकि आपको मिल जाए। अब चलते हैं इंडियन ग्रॉसरी स्टोर और दिखाती हूँ कि वहाँ वहाँ क्या मिलता है। Thank you.
चलो फिर आज हमने आपको स्टोर्स दिखाए, इंडियन स्टोर भी दिखाया और वॉलमार्ट में इंडियन ग्रॉसरी भी दिखाई। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और कोशिश ये रहती है कि हर वीडियो आपको अच्छी लगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जैसा हमेशा कहती हूँ कि और भी टॉपिक्स बताइए जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन सब टॉपिक्स को कवर कर पाऊँ जो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या एज एन न्यू इमिग्रेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है जानना। तो भूलिएगा मत, आपको लाइक और सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। और सेकंड वीडियो जैसे अभी आपको बताया था स्टार्ट करने से पहले कि जो भी स्टेशनरी और आपका कपड़े जो भी लेके आने हैं या ड्रॉप करने हैं वहाँ पर, वो सब आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।